एजेल प्लॉट आवंटन मामले में आज पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा आज सीबीआई कोर्ट पहुंचे। आपको बता दें, इससे पिछली सुनवाई में सीबीआई कोर्ट द्वारा मोतीलाल वोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मन जारी कर आज कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके चलते आज वो कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने सम्मनिंग दी थी, तो उसमें वोरा साहब और हुड्डा जी को सम्मन थे, तो वो अपीयर हुए और आफ्टर दैट वी मूव अ बेल एप्लीकेशन, रेगुलर बेल एप्लीकेशन। उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हमें बेल ग्रांट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट डेट इसमें लगा दिया 6 फरवरी। कितने कितने लाख के बेल बॉन्ड भरे इसमें? दो दो लगी, 5-5 लाख की है। मिस्टर मोतीलाल वोरा एंड मिस्टर डीएस हुड्डा, तो उन दोनों की बेल हुई है। चालान की कॉपी दे दी गई है? हाँ, इसमें चालान की कॉपी आज प्रोवाइड कर दी है और नेक्स्ट डेट इसमें 6 फरवरी कोर्ट ने फिक्स कर। क्या प्रोसीडिंग रहेगी सर? अभी तो स्क्रूटनी चलेगी, इसमें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो हम देखेंगे कि भी वो प्रॉपर है और नहीं, जो भी इसमें है वो स्क्रूटनाइज करेंगे। और आज की सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को जमानत दी गई है सीबीआई कोर्ट द्वारा। ये जमानत 5-5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर दी गई है। इसके साथ ही आज उन्हें चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी गई है। आपको बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी और ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी को इस मामले में आरोपों पर बहस की जाएगी और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई बढ़ने के साथ साथ आरोप तय भी किए जाएंगे। आपको बता दें, 1 दिसंबर 2018 को इस मामले में सीबीआई द्वारा सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उस वक्त हुड्डा के चेयरमैन भी थे, और साथ ही मोतीलाल वोरा जो एजेल हाउस के चेयरमैन है, इन दोनों को बनाया गया था और उन पर यह मामला जो है सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।